नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समर्थ क्लासेस एजुकेशन चैनल पर। कल हम लोगों ने चर्चा की थी श्रम विधान के प्रकार की, और आज हम लोग शुरुआत करेंगे श्रम विधान के इतिहास की। दोस्तों, विषय की शुरुआत से पूर्व हम आपको कहना चाहेंगे कि कमेंट में हमने लोगों का देखा कि कुछ लोग जो है नोट्स के बारे में और पंकज तिवारी सर के बारे में पूछ रहे थे, तो हमें कहना इतना सा है कि किसी भी नोट्स का मुख्य रूप से ध्यान नोट्स के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि नोट्स केवल इसलिए रखा जाए क्योंकि हम लोगों को उसका कंटेंट पता चले और ये पता चले कि उस अधिनियम या उस पार्टिकुलर जो टॉपिक है उसमें क्या दिया हुआ है। एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि किसी भी भाषा की, किसी भी पेपर की तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है कि आपको समझना है और उसके बाद लिखना है अपनी भाषा में। नोट्स की जो भाषा होती है वो स्पेसिफिक टीचर की भाषा होती है, और उसको रटने का प्रयास करना जो है वो सबसे खतरनाक कार्य है। ये कोई आपका ग्रेजुएशन या पीजी का कोर्स नहीं है, ये कंपटीशन है जहाँ पर कि तथ्य को ध्यान में रखा जाता है और ये देखा जाता है कि किस तरह से भाषा की प्रांजलता और किस तरह से प्रस्तुतिकरण जो है वो परीक्षार्थी के द्वारा दिया गया है। तो इन तथ्यों को आप ध्यान में रखें। और जहाँ तक नोट्स का सवाल है तो समर्थ क्लासेस एजुकेशनल चैनल के द्वारा नोट्स तैयार किया जा रहा है, हम लोग जो है उस पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द ही जो है आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा और उसमें जो है सारे तथ्य दिए जाएंगे। लेकिन आप उसको बार बार याद करेंगे, कंटेंट को याद करेंगे, लेकिन भाषा आपकी अपनी रहनी चाहिए, इसका ध्यान आपको हमेशा रखना है। हम भी जो अभी आपको चार्ट के माध्यम से बता रहे हैं तो उसमें जो है आप केवल तथ्य को ध्यान में रखें और उसको लिखने के प्रयास करते समय जो है अपनी भाषा का प्रयोग करें, जिससे कि क्योंकि परीक्षा हॉल में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं वो यदि आपने जीएस फर्स्ट और सेकंड का प्रश्न पत्र देखा होगा तो आपको ज्ञात होगा कि बहुत सारे प्रश्न हैं जिसको कि आप पहले जो है उसकी तैयारी नहीं कर पाते हैं, उसको परीक्षा हॉल में ही आपको उसका कॉन्सेप्ट डेवलप करके लिखना पड़ता है। तो इसके लिए आपकी भाषा और आपका समझ और आपकी जो सोच है और आपके पास कितने तथ्य हैं उन सबों का समावेश आवश्यक है। तो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रम विधान के इतिहास की। श्रम विधान के इतिहास में हम लोग जो है, जैसे कि कल हमने आपको बताया कि श्रम विधान के इतिहास में मुख्य रूप से तीन भाग हैं, जिसमें कि प्रारंभिक काल है 1919 ईस्वी से पूर्व की स्थिति है इसमें, और इसमें हम लोग जो है चर्चा करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व जो है किस तरह से जो है श्रम विधान का इतिहास रहा, प्राचीन काल में कैसी स्थितियां थी, उसके बाद जो है किस प्रकार से कालांतर में स्थितियों में परिवर्तन हुआ, दास प्रथा से बंधुआ मजदूरी, फिर बंधुआ मजदूरी से श्रमिकों की स्थिति आई और उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहा। तो प्रारंभिक काल में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। मध्यकाल में चर्चा होगी 1919 से लेकर के 1947 तक, भारत की आजादी से पूर्व तक जो है किस प्रकार श्रमिकों की स्थिति में परिवर्तन आया, उसके बारे में हम लोग मध्यकाल के अंतर्गत चर्चा करेंगे। और आधुनिक काल में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में किस प्रकार से जो है श्रम से संबंधित जो है विधान बनाए गए, श्रम से संबंधित उपबंध डाले गए, तो उसके बारे में हम लोग जो है विस्तृत अध्ययन करेंगे आधुनिक काल में। और बाद में हम लोग जो है वर्तमान में श्रम विधान की क्या स्थिति है, इसकी क्या प्रासंगिकता है और किस प्रकार से जो है सरकार के द्वारा जो है एक विस्तृत मसौदा तैयार किया जाता है, किया जा रहा है, जिसमें कि ढेर सारे जो हमारे श्रम विधान है सबको मिला करके कुछ श्रम विधान बनाने का प्रयास किया जा रहा है जो कि विस्तृत होगा और उसके में ही जो है श्रमिकों से संबंधित लगभग सभी तथ्यों को रखा जाएगा। तो उसके बारे में भी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो आज हम लोगों की चर्चा का विषय है प्रारंभिक काल, जिसमें कि हम लोग 1919 से पूर्व की स्थिति के बारे में आज आपको बताएंगे। तो इसमें हम लोगों का मुख्य रूप से है कि प्रारंभिक काल में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि
श्रम जो था वो क्रय विक्रय की वस्तु था, क्रय विक्रय का विषय था और श्रमिकों को वस्तु के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। श्रमिकों को ऐसा समझा जाता था कि ये जो है वस्तु है और हम जो है श्रम को खरीदते हैं, फिर वो जो है उसका यूज करते हैं, फिर उसको हटा देते हैं। तो उसके बाद जो है श्रमिकों को क्रेता का दास माना जाता था। तो ये सबसे जो बुरी स्थिति थी मनुष्य होने के नाते, वो काफी श्रमिकों की दयनीय स्थिति थी उस समय, असहाय स्थिति में वो लोग जीवन यापन करते थे। और उन्हें जो है जो भी उसके खरीदार होते थे, नियोजक होते थे, काम करवाने वाले होते थे, मालिक होते थे, उसका उन्हें दास माना जाता था। कालांतर में यही दास प्रथा जो है वो बंधुआ प्रथा के रूप में प्रचलित हो गया। बंधुआ मजदूर के रूप में उन्हें रखा जाने लगा और उन्हें वर्षों तक जो है उन्हें काम किया जाता था, बिना वेतन का उन्हें जो है, बिना मजदूरी का उन्हें कार्य पर रखा जाता था। तो ये स्थितियां जो है बंधुआ मजदूरी के रूप में आई। और उसके बाद जो है कुछ श्रमिकों की जब स्थिति आई, जब थोड़ा बहुत भी जो उसके उसका बंधुआ मजदूरी के बाद जो श्रम पर रखने की जो स्थिति आई, तो उसमें भी यूज एंड थ्रो वाली जो पॉलिसी थी उसी का प्रयोग किया गया। इसमें मुख्य रूप से जो है नियोजक के द्वारा श्रमिकों को रखा जाता था, जब तक जो है वो काम करने के लायक रहते थे तब तक काम करवाया जाता, फिर उन्हें बाहर कर दिया जाता था। तो ये सारी चीजें जो थी वो नियोजकों के पक्ष में थी, श्रमिकों का अपना कोई स्थिति नहीं था। और उसके बाद जो श्रम से संबंधित जो कुछ विधियां भी बनी, वो भी मूल रूप से जो है वो श्रमिकों के नियोजकों के संवर्धन के लिए था, नियोजकों के हित में था, नियोजक के लिए ही बनाया गया था कि नियोजक किस तरह से जो है श्रमिकों पर अपना कमांड कर सके। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि प्रारंभिक काल में जो थे था श्रमिकों की स्थिति वो अत्यंत ही दयनीय थी। उसके बाद श्रम विधान के अगर विकास की बात करें, तो श्रम विधान का विकास होता है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से। और ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बाद जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है बहुत सारे अधिनियम बनाए गए, रॉयल चार्टर्स जारी किया गया, जिसके माध्यम से जो है श्रमिकों पर नियंत्रण के लिए जो है अनेक प्रयास किए गए और नियोजकों के हित के लिए जो है सारे कार्य किए गए। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि आरंभिक काल में जितने भी श्रम विधान बनाए गए वो ब्रिटिश नियोजकों के हित में थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया था और वो किस तरह से श्रमिकों पर जो है अधिक से अधिक अपना नियंत्रण रख सके, श्रमिकों को दंडित कर सके, उसके लिए जो है वो सारे विधान बनाए गए थे। इसी प्रकार अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला जो ये विनियम की अगर चर्चा की जाए, तो बंगाल विनियमन 1819 में जो है बनाया गया था। और इसका जो है मुख्य रूप से अगर इसकी चर्चा करें तो इसके अधीन जो है करारबद्ध श्रमिकों द्वारा कर्तव्य की उपेक्षा करना दंडनीय अपराध घोषित किया गया। और इसी प्रकार बंगाल अधिनियम 1837 में ब्रिटिश उपनिवेशकों के लिए भारतीय इमिग्रेंट्स जो थे की नियुक्ति और नियोजन को नियंत्रित करते हुए श्रमिकों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उस समय का मूल रूप से जो श्रम विधान या श्रम विधियां बनाई जाती थी, उसका मूल उद्देश्य था कि श्रमिकों का अधिक से अधिक दमन किया जा सके और नियोजकों का अधिक से अधिक हित साधा जा सके। उसके बाद हमारा आता है कर्मकार संविदा भंग अधिनियम 1859। तो इसके द्वारा जो है इसमें जो है मुख्य रूप से नियोजकों के खर्चे पर कामगारों द्वारा कार्य करने से इनकार करने की स्थिति में जो है वो संविदा भंग की जो है स्थिति अगर यदि हो जाती तो उसको दंड का प्रावधान था। इसके साथ ही भारतीय दंड संहिता जो 1860 में आई, जो अभी तक भी आईपीसी के रूप में हमारे समक्ष है, तो उसमें भी जो है कोई भी करार का अगर उल्लंघन किया जाए, संविदा का उल्लंघन किया जाए, तो उसको दंडित करने का प्रावधान किया गया था। तो इसके बाद जो है नियोजक एवं कर्मकार विवाद अधिनियम 1860 की अगर हम लोग बात करें, तो इसके अंतर्गत भी श्रमिकों को संविधान के उल्लंघन पर दंड करने का प्रावधान था। और अगर कुछ श्रमिकों के पक्ष में बात की जाए तो उसके लिए दो मुख्य जो अधिनियम बनाए गए,
एक हमारा है भारतीय दास्ता अधिनियम जो 1843 का है, और इसके अंतर्गत जो है भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया और उन्मूलन का प्रावधान, इसके उन्मूलन का प्रावधान किया गया। तो ये श्रमिकों के लिए काफी जो है बड़ी बात थी उस समय। और उसके बाद घातक दुर्घटना अधिनियम बनाया गया 1855 ईस्वी में, और इसमें इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि अगर श्रमिकों के साथ कोई दुर्घटना, घातक दुर्घटना हो जाती है तो उस स्थिति में उसको संरक्षण प्रदान किया जाए, उसके परिवार को संरक्षण प्रदान किया जाए। तो ये तथ्य जो थे वो श्रमिकों के हित में थे। इसके साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो विकास का क्रम जारी था भारत में। प्रथम सूती कारखाना 1851 में और मुंबई में बना था 1845-55 के में, जो है प्रथम जूट कारखाना बंगाल में स्थापित हुआ था। इसके उपरांत जो है था भारत में औद्योगिकरण आरंभ हो गया और फिर धीरे धीरे कारखाना की संख्या में वृद्धि हो गई। कारखानों की संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ ही जो है श्रमिकों से संबंधित समस्याएं भी आने लगी, उससे संबंधित विवाद भी आने लगे। श्रमिकों के द्वारा विभिन्न मांगों के समर्थन में जो है संघों का निर्माण किया जाने लगा, और फिर जो है और वो अपनी मांग को नियोजकों के समक्ष रखने लगे। ये एक शुरुआती क्रम है, हम इसको जो है बहुत विस्तृत रूप में ना लें, एक शुरुआती क्रम था। धीरे धीरे वो अपने प्रयास में थे कि उनकी स्थितियों में नियोजकों के द्वारा कुछ सुधार किया जाए। तो इन्हीं समस्त जो श्रमिकों की मांग और उनके जो विभिन्न तरह के जो प्रयास थे, उन प्रयासों के फलस्वरूप 1881 ईस्वी में जो है भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम बनाया गया। और इसका जो संशोधन है जो कि दूसरा और तीसरा कारखाना अधिनियम के रूप में, वो है 1891 और 1911 में इसमें संशोधन किए गए। तो इसमें जो इस अधिनियम के अगर मुख्य प्रावधानों को देखें तो उसमें जो था ऐसे परिसर जिसमें 100 या 100 से अधिक कर्मकार नियोजित थे और जहां विनिर्माण की प्रक्रिया यांत्रिक शक्ति की सहायता से संचालित होते थे, तो उसमें जो है ऐसे कारखाना जहां कम से कम 4 महीने के लिए श्रमिक नियोजित किए थे उसमें सम्मिलित किया गया। बाल श्रमिकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया, जो व्यक्ति आयु का 7वां वर्ष पूरा नहीं किया हो उसके नियोजन पर प्रथम बार प्रतिबंध लगाया गया। 7 वर्ष से 12 वर्ष तक के बीच के बाल श्रमिकों के लिए अधिकतम 9 घंटे कार्य प्रतिदिन निर्धारित किए गए। बाल श्रमिकों के लिए प्रतिदिन कार्य के घंटे के दौरान 1 घंटे का विश्राम अवकाश, 1 दिन का साप्ताहिक छुट्टी का प्रावधान, सुरक्षा और निरीक्षण से संबंधित उपबंध रखे गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सबसे जो पहला हमारा फुल फ्लेजेड जो कारखाना अधिनियम आया वो 1881 में आया, और जिसके द्वारा जो है श्रमिकों के दशा में परिवर्तन का काफी प्रयास किया गया। इसके बाद जो है जैसा कि हमने आपको बताया कि 1891 में और 1911 में जो है इसमें संशोधन किए गए और बहुत सारे तथ्यों को जोड़ा गया, जिसके माध्यम से जो है श्रमिकों का, महिलाओं का, खास करके बच्चों की स्थिति में जो है व्यापक परिवर्तन हुए। इसके बाद जो है उसी दौरान जो है 1901 ईस्वी में असम लेबर एंड इमिग्रेशन एक्ट को लाया गया। इस अधिनियम के द्वारा जो है असम में जो भी खान ये बगान से संबंधित जो भी श्रमिक थे उसके लिए जो है बगान से श्रमिकों की भर्ती करने वालों के पक्ष के लिए लाइसेंस रखने, इमिग्रेंट्स के पंजीकरण, चाय बगानों तक ले जाने के रास्तों को सुरक्षित करने और स्वच्छता, बगानों में कार्यरत श्रमिकों के न्यूनतम कार्य अवधि तथा न्यूनतम तथा मजदूरी निर्धारण से संबंधित उपबंध जो है इसमें सम्मिलित किए गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि असम लेबर एंड इमिग्रेशन एक्ट 1901 के द्वारा जो है असम में बगानों से संबंधित, चाय बगानों से के जो श्रमिक थे उसके संबंधित बहुत से प्रावधान किए गए, जिसके माध्यम से उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। और इसके बाद आता है हमारा प्रथम भारतीय खान अधिनियम 1901। खान अधिनियम के तहत जो है इसमें मुख्य रूप से इस अधिनियम के माध्यम से खान बोर्डों की स्थापना कर उनके परामर्श के द्वारा खान से संबंधित विनियमन बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। और इस का मुख्य प्रावधान में बताया गया कि यदि मुख्य खान निरीक्षक ये अनुभव करते हैं या उचित समझते हैं कि खान में कार्य करने वाले
महिलाओं और बालकों की कार्य दशाएं स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए अहितकर है तो वो खान में कार्यरत 12 वर्ष से कम आयु के बालकों तथा महिलाओं के नियोजन पर प्रतिबंध लगा सकता था। तो इस प्रकार जो है महिलाओं, बालकों और मजदूरों की स्थिति में जो है परिवर्तन का प्रयास जो है आरंभ के दौर में किया गया, और इसके बाद जो है निरंतर उसकी स्थिति में जो है परिवर्तन हुआ। और हम लोग जो है आगे के चैप्टर में कल हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार मध्यकाल और इसका आधुनिक काल रहा, और किस प्रकार जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है संविधान में विभिन्न उपबंधों के माध्यम से श्रमिकों की स्थिति में परिवर्तन आया, और विभिन्न अधिनियमों के द्वारा जो है श्रमिक की स्थिति को बेहतर बनाने का और एक सम्मानजनक स्थिति लाने का प्रयास किया गया। दोस्तों नमस्कार।